हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंटरफेस खुला हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे करते हैं क्लिक। क्या सीखने वाले हैं, क्या खास है आज के इस एक्सेस के वीडियो में, अभी आपको बताता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करने जाते हैं तो सही से परसेंटेज कैलकुलेट होता नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो चलिए ये समझते हैं कि क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर आए, टेबल वन ही रखते हैं और यहाँ पर आईडी आ रही है, चलिए आईडी रखते हैं। यहाँ पर एक फील्ड डाल देता हूँ मैं नंबर, ठीक है। तो ये नंबर रख लिया हमने और यहाँ पर परसेंटेज हमें देना है। तो यहाँ पे PERCENTAGE ये लिख दिया परसेंटेज, ओके। यहाँ पर हम इसको नंबर रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नंबर रखनी है और यहाँ पर इसको भी नंबर रख लीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको डेसिमल भी वैल्यू देनी है, तो यहाँ पर आपको डेसिमल के लिए डबल बनाना पड़ेगा इसको, तो ये डबल बना लीजिए। और अगर किसी भी नंबर का हम कितना परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ कैल्क नाम से एक फील्ड देता हूँ, कैलकुलेट नाम से कैलकुलेट दे दिया और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2016 यूज कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप हमें मिल जाएगा और लियर वर्जन में भी मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले के वर्जन में शायद ना मिले। तो डोंट बी वरी अबाउट इट, आप क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाके सेम काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं एक फील्ड ले लेता हूँ नंबर, ये नंबर एक फील्ड ले लिया हमने और नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यहाँ पे नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज का, तो ये परसेंटेज कर दिया हमने और अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये अपॉन 100 कर दिया, ओके। तो ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है इससे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अब क्या ये सही कैलकुलेट होकर आया है यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने लाइक 500, ठीक है। अब 500 का 6% हमको कैलकुलेट करना है, तो 500 का 6% क्या 30 ही होगा, ये चाहते नहीं है। ये आ तो सही गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6% लिखने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये 6% जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ पे ये 0.3 बन जाता है, ठीक है। अब और ये चीज जो है ये देखिए ये किस तरीके से आ जा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पे 6% लिखें तो 6% हो जाए और बाकी का रिजल्ट जो है उसी के हिसाब से आए, ये हम चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप ये डेटा टाइप डिजाइन करेंगे, डेटा टाइप इस तरीके से लेंगे, तो उसी समय आपको ये जो परसेंटेज वाला है यहाँ पर आकर के और इसे फॉर्मेट बना देना होगा परसेंटेज। तो यहाँ से बस आप इसको परसेंटेज बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और बस यस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6% यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी रिजल्ट हमारा उस तरीके से नहीं आ रहा है जिस तरीके से हमें चाहिए। तो एक बार चलते हैं कैलकुलेटेड डेटा टाइप में, जो हमने कैलकुलेट किया है उसको एक बार देखते हैं, उसको एक बार एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये परसेंटेज जो फील्ड दिया है हमने वो बिल्कुल सही है और ये जो अपॉन 100 है अब आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, और बस इसी को रखिए, ओके कर दीजिए और यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही से कैलकुलेट होकर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 100 का आपको कैलकुलेट करना हो 2%, तो कितना होगा, तो यहाँ 2 रुपये हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए 1200 का कैलकुलेट करना हो आपको 5.5%, तो यहाँ पे 5.5 लिखिए, परसेंटेज अपने आप आएगा और ये 66 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी नंबर का परसेंटेज इस सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज वाले साइन के साथ कैसे कैलकुलेट करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।